काकोरी कांड की वर्षगांठ के अवसर पर पूरे प्रदेश में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत एडीजी जोन अखिल कुमार ने सोमवार को चौरी चौरा स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीद जवानों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। गौरतलब है कि देश की आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर तथा काकोरी कांड के शहीदों की याद में मुख्यमंत्री के आह्वान पर पूरे प्रदेश में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 9 अगस्त से 16 अगस्त तक चलने वाले अमृत महोत्सव के दौरान जनपद के सभी शहीद स्थलों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसके अलावा महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई के साथ माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है, जिसके तहत एडीजी जोन अखिल कुमार ने सोमवार को चौरी चौरा शहीद स्थल पर पहुंचकर शहीदों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा कि देश की आजादी में चौरी चौरा के शहीदों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा जोन के सभी शहीद स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित कर देश की आजादी के अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और पुलिस बैंड के माध्यम से उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, यहाँ साल में और कभी ऐसी कार्यक्रम होता है? ये एक्चुअल डेट क्या था चौरी चौरा इंसिडेंट का? 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी में तो यहाँ कुछ वो भी हुआ था कार्यक्रम, बहुत बड़ा था। कार्यक्रम तो चल के इसी बहाने देख ही क्या कार्यक्रम कराया गया था सर? दूसरी कार्यक्रम सर हुआ था अंदर वो ना बाहर नहीं, बाहर फील्ड में ये गेट के बाहर। जनता इस उपाय निस्तारण करिए, सही काम हो। ये वो लोकल हो स्मारक आज हमारे जनपद में अलग अलग स्थानों पर जहाँ जहाँ शहीद स्मारक हैं वहाँ आज हम लोग जा रहे हैं और अपने दूसरे श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, आज पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम हो रहा है। गोरखपुर जनपद के 11 जनपदों में हम लोगों ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को इस विषय में निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी शहीद स्मारक है वहाँ पर कार्यक्रम किए जाएँ और जहाँ नहीं भी है तो वो भी शहीदों की याद में कार्यक्रम रखे जाएँ। अलग अलग कार्यक्रम हैं, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, कहीं पर आप जाके लोग तो रेस्पेक्ट पे कर रहे हैं, कहीं दीप प्रज्वलन हो रही है, कुछ जगह पे मोमबत्ती भी जलाई जाएगी शाम में। जहाँ जहाँ पुलिस के बैंड्स उपलब्ध हैं
वो बैंड भी आकर हम बजाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग एक तरह से रिस्पेक्ट और याद कर रहे हैं उन शहीदों की जो उन्होंने अपने देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण योगदान विशेष रूप से दिया। ऐतिहासिक मोड़ था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, जो ये खास करके पूर्वांचल में एक बहुत बड़ा घटना घटी थी, एक मैसेज था यहाँ के लोगों का, संघर्ष का प्रतीक है जो अंग्रेजी शासन की उसके प्रति जो स्वतंत्रता के दौरान संघर्ष कर रहे थे उसके लिए ये जो पैक हुआ था चौरी चौरा थाना में और उस पर लोगों ने अपने बलिदान दिया था, वो एक ऐतिहासिक इवेंट था, एक निर्णायक मोड था। लड़ाई उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई जो है वो एक निर्णायक मोड में जा चुकी थी और एक बहुत बड़ा मोमेंटम इसको मिला था उस इवेंट से। तो उस यहाँ जाके बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आकर इसके बारे में और डिटेल हम लोगों को जानकारी मिल रही है। हम लोगों ने इसके अलावा हमने ये भी कहा है कि हमारे थाने में जो अभिलेख हैं उसके बारे में क्या उसमें लिखा गया है वो मेरे समक्ष रखा जाए, उसको कैसे हम प्रिजर्व कर सकें इस पर भी विचार करें। जी जी हाँ, तो मैंने कहा पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही काफ़ी इस विषय में रुचि है उनका और ये बहुत अच्छी बात है कि प्रदेश में हम सभी नागरिकों को हमारे जो बलिदान है उसको हमें याद रखना चाहिए और वो कैसे हमें आगे प्रेरणा दें, ये जनता के बीच में ये जाए, लोगों को इससे प्रेरणा मिले, यही प्रयास है।